हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी मेट्रो का ओल्ड पेपर। और दोस्तों ये जो पेपर है वो जूनियर इंजीनियर एसएनटी का ओल्ड पेपर है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पेपर है लगभग 20 जनवरी 2020 को ये पेपर हुआ था, यानी कि यह जो पेपर है वो लगभग एक साल से ज़्यादा पुराना पेपर है। तो दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर है इसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है जो यूपी मेट्रो के जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उनमें कई सारे जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर का वीडियो है वो यूपी मेट्रो के लिए ही लाया गया है। और दोस्तों ये जो पेपर है वो जूनियर इंजीनियर एसएनटी विभाग का पेपर है, यानी कि दोस्तों यह जो पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल की भी है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके आगे आने वाले यूपी मेट्रो के एग्जाम्स के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पूरा देखें। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि दोस्तों समय समय पर एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो है मेट्रो एग्जाम से संबंधित ओल्ड पेपर जो है अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं टेक्निकल पार्ट की। और दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस इज ट्रू फॉर आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है सी, यानी कि इसमें दिया हुआ है वो है बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये जो आंसर वो यूपी मेट्रो की तरफ से ही राइट किए गए हैं, यानी कि ये जो पेपर है वो यूपी मेट्रो का जो है ओल्ड पेपर ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों इन द गिवन फिगर्स, यानी कि दोस्तों ये जो फिगर है इसका जो है यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर पूछा गया है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 0.5e - 2t, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन है। और दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में एक जो है यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और दोस्तों इसके माध्यम से पूछा है द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स ए एंड एन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा फुल सबस्ट्रेक्टर, यानी कि दोस्तों ये जो डायग्राम है वो किसका है, वो सबस्ट्रेक्टर का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो चौथा क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा माइक्रो प्रोसेसर डोंट हैव एन ऑफ चिप मेमोरी, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पांचवा क्वेश्चन है द कॉस्ट क्रिएटेड फ्रॉम द एफर्ट टू रिड्यूस पुअर क्वालिटी आर कोल्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा प्रिवेंशन कॉस्टिंग, यानी कि इसका जो है राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है जनरल प्रपोज इंटरफेस बस GPIB हैज ए टाइपिकल मैक्सिमम स्पीड ऑफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1 MB/s, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सातवां क्वेश्चन है ए 5-bit बाइनरी काउंटर स्टार्ट विथ 0000 डॉट डिटरमाइन द काउंट आफ्टर 144 इनपुट पल्सेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10,000, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा सी, यानी कि मैनुअल स्पीड कंट्रोल, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवा क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें जो है एक डायग्राम दिया हुआ है और उसके माध्यम से पूछा है इन द गिवन फिगर फाइंड IB, यानी कि B बराबर 100, यानी कि बीटा बराबर 100। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा 0.05 mA, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दसवां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, यानी कि दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है, उसमें से जो है एक जो है स्टेटमेंट गलत है और बाकी तीन सही है। तो दोस्तों इसमें जो पहला जो ऑप्शन है ए, यानी कि सिमिलर टू द MOSFET द IGBT हैज ए लो इम्पीडेंस गेट, यानी कि दोस्तों ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये जो है स्टेटमेंट क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ग्यारहवां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है फॉर द सेम फायरिंग एंगल द लोड वोल्टेज इन द डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड कंपेयर्ड टू द कंटिन्यूस कंडक्शन मोड ऑफ ऑपरेशन विल बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हायर, यानी कि जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारहवां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें जो है एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके माध्यम से जो है पूछा है फॉर द सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर द एरर वोल्टेज यानी कि ई इज गिवन बाय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, VR - cos(VT)R2/R1+R2 cos(, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेरहवां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें भी जो है एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके माध्यम से पूछा है फाइंड VBB इफ द सर्किट इन द गिवन फिगर हैज टू ऑपरेट एट द एज ऑफ सेचुरेशन, यानी कि यूज VBE बराबर 0.7V एंड B बराबर 50, ये इसके माध्यम से जो है इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 2.64 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें चौदहवां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है शेप ऑफ ए लिसा जोस फिगर डिपेंड्स ऑन द। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि एम्पलीट्यूड फेज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स, ये इसका जो है राइट आंसर होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 15वां है वो है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी इन डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यानी कि वेरी स्मॉल ऑफ टाइम मेक्स लोड करंट कंटिन्यूस, ये जो है इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 16वां क्वेश्चन है द डिस्टॉर्शन फैक्टर फॉर ए थ्री फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 3/π। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 17वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें जो है एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके माध्यम से पूछा है द कंट्रोल सिस्टम इलस्ट्रेटेड इन द फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि मैन मशीन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 18वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है ए स्टेप इनपुट ऑफ 4 एम्पीयर इज अप्लाइड टू एन एमीटर द पॉइंटर स्विंग्स टू 4.18 एम्पीयर एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट एट 4.02 एम्पीयर डिटरमाइन द। तो दोस्तों इसमें जो है ए और जो बी ऑप्शन दिया हुआ है इसके माध्यम से जो इसके जो राइट आंसर है वो ढूंढने हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि 0.16 एम्पीयर 3.98% फिर है 0.5%, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 19वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर डिटरमाइंड आई डी इफ वी डी डी बराबर 5 वोल्ट एंड आर बराबर 1 किलो ओम। तो दोस्तों ये जो वी डी डी है ये तो हो जाएगा 5 वोल्ट और दूसरा ये जो ऊपर वाला है यानी कि आर ये हो जाएगा 1 किलो ओम। तो दोस्तों इसका जो है पूरा मान पूछा है एज्यूम दैट द डायोड हैज इस करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर एट ए वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट एंड यूज द आइडियल डायोड मॉडल। तो दोस्तों इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि 5 मिली एम्पियर, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 20वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कंपनियों के लिए गुणवत्ता लागत का आकलन करने का कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि लागत बढ़ाने के प्रमुख अवसरों की पहचान करना, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 21वां क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर 1 mm लॉन्ग एंड ऑफ 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज 1/58 ओम। थज द रेजिस्टेंस ऑफ ए 2 mm लॉन्ग 0.5 सेंटीमीटर थिक कॉपर ट्यूब विथ एन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 10 cm विल बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 23.14 माइक्रो ओम, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स इन 8086 आर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 13, यानी कि 16-bit रजिस्टर्स एंड 9 फ्लैग्स, यानी कि इसमें 16 तो बिट होते हैं और 9 जो है पिन होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 23वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों ALU इन एक माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 24वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ सस्टेंड ऑसिलेशंस इन रेड ऑब्लिक सेक फॉर द सिस्टम S4+9S³+11S² + 6S + k = 0। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 0.82 रेड ऑब्लिक सेक, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 25वां क्वेश्चन है फॉर ए कॉपर वायर विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन डायमीटर बराबर 1.03 mm विथ रेजिस्टिविटी बराबर 2.5×10⁻¹ ओम प्रति मीटर कंसनट्रेशन ऑफ फ्री E-bar बराबर 8.4×10⁸ प्रति मीटर क्यूब एंड करंट डेंसिटी बराबर 2.1×10⁶ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर डिटरमाइन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 3.567×10⁻³ मीटर स्क्वायर प्रति वी माइनस सेक, यानी कि ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 26वां क्वेश्चन है ए डिकोडर हैविंग एन इनेबल इनपुट इज टर्म्ड एस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि डिकोडर यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर, ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 27वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों इंटरप्ट आउट ट्रांजेक्शंस इन USB 2.0 फंक्शंस व्हेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि द होस्ट वेंट्स टू सेंड द डिवाइस इंटरप्ट डाटा, यानी कि जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 28वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए लिमिट साइकिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि ऑसिलेशन पेक्यूलियर टू लीनियर सिस्टम्स, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों इसमें जो है एक डायग्राम दिया हुआ है उसके माध्यम से इसका जो राइट आंसर है वो ढूंढना है ए शॉर्ट इंपल्सिव फोर्स ऑफ एम्पलीट्यूड 400 N एंड ड्यूरेशन 0.01 s इज अप्लाइड द सिस्टम टाइम कॉन्स्टेंट विल बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 0.5 सेकंड्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 30वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों फॉर ए वेक्टर डायोड विद डिफ्यूज्ड
जंक्शन एट रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ 7.3 वोल्ट इफ द जंक्शन पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट एंड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज 40 pF यानी कि पीको फेरेड देन द कॉन्स्टेंट के विल बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 80 × 10−12 है, ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें जो है एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके माध्यम से आपको जो है इसमें राइट आंसर ढूंढना है। द लॉजिक शोवन इन द गिवन फिगर वर्क्स एज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा प्योरिटी एनकोडर, यानी कि ये जो काम करता है वो करता है प्योरिटी एनकोडर की तरह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LED इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा GaAsB यानी कि गैलियम आर्सेनाइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 33वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें है JMP Adder 16 इज ए, तो दोस्तों इसमें है एक नोट दिया हुआ है Adder 16 इज एनी 16-bit एड्रेस, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 3-byte instructions, ये है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 34वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें कुछ जो है वर्ड दिए हुए हैं, इसके माध्यम से जो है इसका जो है राइट आंसर ढूंढना है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है 4N8237 कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट एज शोवन इन द फिगर द बिट यूज टू रीड एंड राइट एंड वेरीफाई ट्रांसफर इज R, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा B2 and B3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 35वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इसके माध्यम से इसका जो है आंसर निकालना है। इन द गिवन फिगर फाइंड द करंट इज एस डोमेन इफ L बराबर 25 mH, R बराबर 1000 ओम एंड सर्किट इज सब्जेक्टेड टू 50V स्टेप इनपुट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 0.05 S − 0.05 S + 4 × 10 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 36वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ए 4-level मॉडल ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा D, यानी कि इंस्पेक्शंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 37वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके माध्यम से जो इसका आंसर है वो ढूंढना है। द सर्किट शोवन इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स AN, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फुल एडर, यानी कि दोस्तों ये जो सर्किट है वो किसका है, फुल एडर का सर्किट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 38वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें है ए वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज ए डिटेक्टर इन ए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, हाई वोल्टेज सैचुरिंग ब्रिज, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 39वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ A255AR, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि मोड 0 बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, मोड 1 स्ट्रोब्ड इनपुट एंड आउटपुट, मोड 2 बाई डायरेक्शनल डाटा बस, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 40वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में है ए 1 mA मीटर मूवमेंट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए 0 to 100 mA एमीटर, कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफाई पार्टिकुलर्स ऑफ द शंट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 1.0 ओम, 100 mA और 1.0 ओम और 100 mV। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 41वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए 3-terminal मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा JFET, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 42वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों बियॉन्ड ए सर्टेन टेम्परेचर फॉर इंसुलेटर द फॉरबिडन गैप कैन बी क्रॉस्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड ब्रेक्स डाउन अंडर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि हाई वोल्टेज, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 43वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों फॉर ए पार्टिकुलर सर्किट बेसिक करंट बराबर 14.46 μA द एमीटर करंट बराबर 1.460 mA एंड द बेस एमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट, कैलकुलेट द सैचुरेशन करंट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 10−15 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों व्हाट वैल्यू वुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन इक्वेशन, यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 255.4065, यानी कि ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 45वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शंस एंड होल ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए 60W बल्ब विच हैज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट इन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डी, 1.1 × 10⁻², यानी कि 1.1 × 10²². अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों डिटरमाइन द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ऑफ 200 टर्न्स वाउंड और ए मैग्नेटिक सर्किट हैविंग रिलक्टेंस 2008 और वेबर इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग इन द कॉइल इज रिवर्स्ड इन 10 mS,
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी यानी कि 4 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 47वां क्वेश्चन है और इसमें एक डायग्राम है दोस्तों, इसके माध्यम से इसको हल करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर फॉर ए फुल लोड करंट ऑफ 10 एम्पीयर सोर्स लोडिंग ऑकर्स एट व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी बियॉन्ड 9 ओम, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी विद इन ए कंडक्टर, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द लूप टी स्टेट्स आर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि 24। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 50वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों किसी मापन प्रणाली के पहले चरण को किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी डिटेक्टर एंड ट्रांसड्यूसर चरण, यानी कि इस नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 51वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों व्हेन द मेन पर्पज ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज टू रिजेक्ट डिस्टर्बेंस इफेक्ट एंड डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कंट्रोल्ड आउटपुट इन ऑलमोस्ट फिक्स्ड सच ए कंट्रोल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बी यानी कि रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 52वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो एज टू ऑब्टेन एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2.4 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो है इसमें दिया हुआ है और इसके माध्यम से इस डायग्राम में जो इसका जो मान है वो ढूंढना है। तो दोस्तों इसका जो मान है वो होगा 139 ओम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 53वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों ए पी डब्ल्यू एम इन्वर्टर कैन प्रोड्यूसिंग आउटपुट वोल्टेज एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 54वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों व्हेन ए रबर टेस्ट सैंपल इज सब्जेक्टेड टू एन इंक्रीज इन एम्बियंट टेम्परेचर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि वॉल्यूमेट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55वां क्वेश्चन है, SH1 कोड इन GPIB कैपेबिलिटीज फंक्शंस एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी यानी कि सोर्स हैंडशेक कैपेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 57वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द इंडक्टर ऑफ द बक बूस्ट कन्वर्टर इन ए फ्लाईबैक कन्वर्टर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी यानी कि फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 58वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन FET एज कंपेयर्ड टू ए BJT इज रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि लो हाई नॉन लीनियर, यानी कि ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द मोस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी ऑफ क्वालिटी कॉस्ट इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें एक डायग्राम दिया है, इसके इस डायग्राम के माध्यम से इसका जो राइट आंसर है वो ढूंढना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, फॉर द फिगर गिवन अबव इफ TS बराबर 5/S² + 7S + 10 एंड R कोस्टक S बराबर 1/S देन द स्टडी स्टेट एरर विल बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि 1/2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 61वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द एलिमेंट विच मैनिपुलेट्स द सिग्नल प्रेजेंट्ड टू इट प्रिजर्विंग द नेचर ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल इज द। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रोसेसर मेमोरी बस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि इज यूजुअली लेंथी एंड स्लोवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 63वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों ए सेपरेटली एक्साइटेड 220 वोल्ट 10 एम्पियर 1000 RPM डीसी मोटर विथ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज सप्लाइड फ्रॉम ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई थ्रू ए फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर सो द नो लोड स्पीड ऑफ द मोटर विल बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1626 RPM। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द कोयल ऑफ ए मूविंग कोयल वोल्टमीटर इज 40 mm लॉन्ग 20 mm वाइड एंड हैज 100 टर्न्स ऑन इट कंट्रोल स्प्रिंग एक्सर्ट्स ए टोर्क्यू ऑफ 220 × 10⁻⁶ Nm व्हेन द डिफ्लेक्शन इज 100 डिवीजन ऑन फुल स्केल इफ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एयर गैप इज 1.0 Wb/m² देन एस्टिमेट द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विथ कोयल टू गिव 1 V/division नेगलेक्ट कोयल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी यानी कि 36.36 kΩ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 65वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए ब्रिज रेक्टिफायर कॉन्फिग्रेशन इज इट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा
सी यानी कि इंक्रीज इन टोटल वोल्टेज ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 66वां क्वेश्चन है और दोस्तों ये जो डायग्राम है इसका नाम बताना है, द गिवन गेट रिप्रेजेंट्स, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी यानी कि नेगेटिव लॉजिक और, यानी कि ये जो है नेगेटिव लॉजिक और गेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 67वां क्वेश्चन है, फैट्स आर प्रिफर्ड इन एम्पलीफायर्स फॉर देयर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए यानी कि हाई इनपुट इम्पिडेंस, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 68वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों ए कॉइल हैज ए मीन एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द नंबर ऑफ टर्न इज 1000, इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.2 गेज एंड टर्न्ड थ्रू 180 डिग्री इन 1/10 सेकंड, द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि 0.08 वोल्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 69वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी यानी कि इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग द सिस्टम हैज कंटेंट्स कोएफिशिएंट देन द सिस्टम इज लीनियर, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर है वो है यूपी मेट्रो का जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है और दोस्तों इस तरह के पेपर अगर आपको और देखने हैं तो एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है और दोस्तों आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 70वां क्वेश्चन है, इनएक्टिव टाइम फॉर आरएस 232 फ्रेम फॉर्मेट इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी यानी कि -12 है, वी लॉजिक लेवल हाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 71वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों IS बराबर CS बटावा 1+SRC VS इज द करंट पासिंग थ्रू ए सीरीज RC सर्किट, फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट इफ R बराबर 3 ओम, C बराबर 1 माइक्रोफेरेड एंड सप्लाई इज 100 V स्टेप वोल्टेज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा A यानी कि 33.33 माइक्रो एम्पीयर, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 72वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें जो है एक डायग्राम है इसके माध्यम से पूछा है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, यानी कि ये फिगर किसका है, वो है दोस्तों बी यानी कि बैकलेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 73वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लक्स शोन इन द फिगर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करेस्पॉन्डिंग टू ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी यानी कि फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायोमैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 74वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन टाइप SI हैविंग लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 mm स्क्वायर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स लेंथ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 5 mA एज्यूम चार्ज ऑफ ई बार बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ एंड मोबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति V-S, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए यानी कि 2.6 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 75वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों द पीक वैल्यू ऑफ द लाइन वोल्टेज इन केस ऑफ 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए 3-phase ब्रिज इन्वर्टर इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी यानी कि VS। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 76वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों व्हाट इज द नंबर ऑफ टी स्टेट्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, तो दोस्तों इसमें जो है LHLD एडर 16, तो दोस्तों इसमें जो होगा वो होगा आंसर डी यानी कि 13T, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 77वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों ए मूविंग कॉइल वोल्टमीटर हैज ए यूनिफॉर्म स्केल विथ 100 डिवीजन, द फुल स्केल रीडिंग इज 300 वोल्ट एंड 1/10 ऑफ ए स्केल डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड विथ ए फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 0.3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन मेजॉरिटी ऑफ डोमेन्स गेट अलाइन्ड द मटेरियल इज सेड टू बी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी यानी कि सैचुरेटेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 79 का क्वेश्चन है यानी कि 79वां क्वेश्चन है, ए हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट ए करंट एज लो एज 0.1 nA, दिस गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन ए विट स्टोन ब्रिज एज ए डिटेक्टर, ईच आर्म ऑफ द ब्रिज हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 kΩ, द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू द ब्रिज इज 20 वोल्ट, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट चेंज इन रेजिस्टेंस विच कैन बी डिटेक्टेड, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 80 μΩ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 81 यानी कि 80वां क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, इन 80-86 एड्रेसिंग वैन BHE एंड A0 आर 0 और 1 रिस्पेक्टिवली वाट इज रीड एंड रिटर्न, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी यानी कि 1 byte फ्रॉम 2 odd address, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 81वां क्वेश्चन है, यह है दोस्तों इन द गिवन फिगर्स फाइंड Y7/Y2, यानी कि ये हमें क्या करना है इसमें ज्ञात करना है इस फिगर में से, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, ये इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 82वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों द मूविंग कॉइल इन एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर इज कॉल्ड, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि प्रेशर कॉइल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 83वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज हाफ कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर इज गिवन एज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि रूट दो बटे रूट पाई कोष्टक पाई माइनस ए कोष्टक वन प्लस कोस ए, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 84वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों कैलकुलेट द प्रिसीजन ऑफ थर्ड मेजरमेंट फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 96.34%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 85वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें जो है एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके माध्यम से पूछा है इन द गिवन फिगर व्हाट विल बी द बाइनरी वैल्यू इन रजिस्टर आफ्टर टू शिफ्ट्स फॉर द सीरियल एडर विच यूज्ड टू 4-bit रजिस्टर, रजिस्टर ए होल्ड द बाइनरी नंबर 0101 एंड रजिस्टर बी होल्ड 0111, द कैरी फ्लिप फ्लॉप इज इनिटियली रिसेट टू 0, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि 001। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 86वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द एफिशिएंसी ऑफ ए लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन द, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा प्रेशर, यानी कि जो लेड एसिड सेल होता है वो प्रेशर पे क्या होता है डिपेंड नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 87वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि सी यू 60% एंड एन आई 40%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 88वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द मेथड इन विच द टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज कंपेयर्ड विथ द रिस्पॉन्स ऑफ ए स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि इनडायरेक्ट कंपेरिजन कैलिब्रेशन मेथोडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों फॉर द गिवन लिसाजूस फिगर फाइंड द फेज डिफरेंस, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 53.13 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 90वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डायग्राम है, इसके माध्यम से है डिटरमाइन द पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 178.32 वाट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे वो तो थे जूनियर इंजीनियर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच के क्वेश्चन। अब दोस्तों जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिक एबिलिटी है उसके जो क्वेश्चन है दोस्तों वो शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ प्लस मीन्स डिवाइडेड बाई माइनस मीन एड इंटू मीन्स माइनस एंड मल्टीप्लाइड मीन्स मल्टीप्लाइड बाई देन वाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो दोस्तों ये जो है एक फॉर्मूला दिया गया है, इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा 6। तो दोस्तों इस तरह के जो लॉजिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आपको जो है अपनी नोटबुक में एक बार मिला करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये जो क्वेश्चन है उतने ही आपके मजबूत हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दूसरा क्वेश्चन वो है दोस्तों इफ ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 200 एंड ए बी बराबर 13 द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 8। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन है सिलेक्ट द नंबर्स दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 3600, ये यानी कि 3600 जो है वो उसके अंदर आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें चौथा क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों 100 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर के शीर्ष से टावर की ओर आने वाली कार का अवनमन कोण 10 सेकंड में 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, तो कार की चाल लगभग किलोमीटर में कितनी होगी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति होर से ये इसकी जो है चाल होगी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 5वां क्वेश्चन है उत्पाद एक्स के प्रति पैक का नियमित मूल्य ₹25 है, यदि प्रति पैक नियमित मूल्य पर 25% की छूट दी जाए तो ऐसे 80 उत्पादों का मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1500। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों दो कारें ए और बी से ए के समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है जहां ए बी बराबर 50 किलोमीटर है, वे एक घंटे के बाद एक दूसरे को पार करती है, ए से चलने वाली कार को स्थान बी पर पहुंचने में स्थान बी से चलने वाली कार के स्थान ए पर पहुंचने की तुलना 5 से 6 घंटे कम समय लगता है, और ए से चलने वाली कार की चाल क्या होगी वो भी किलोमीटर प्रति हॉर्स में, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स उसकी चाल होगी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है जबकि चौथा असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें, यानी कि 3 शब्द क्या है समान है और 1 क्या है असमान है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हिरण, यानी कि हिरण क्या है असमान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 8वां क्वेश्चन है, वो है दोस्तों दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 6 है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, दोनों वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 9वां क्वेश्चन है, एम और एन 0 से 9 के बीच कोई 2 अंक है, एम और एन के क्रमश वे न्यूनतम मान बताइए जिनके लिए संख्या 23m, 5,
एंड 12 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 0 और 2, यानी कि m की जगह तो क्या आएगा 0 और n की जगह क्या आएगा 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, राम और श्याम कर्मश 5 लाख और 4 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 8 महीने के बाद राम 1 लाख निकाल लेता है और मोहन 2 लाख के निवेश के साथ व्यवसाय में प्रवेश करता है। तो वर्ष के अंत में लाभ 2,80,000 है, तो लाभ में मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 20,000। और दोस्तों इस तरह की जो है आपको ओल्ड पेपर और देखने हैं तो आप एमकेएन एकेडमी का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसे आप अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, सुपरमैन अपने छिपने के स्थान से पूर्व की ओर 400 मीटर उड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 400 मीटर उड़ा, इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 200 मीटर उड़ा, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 200 मीटर उड़ा, अब सुपरमैन के सामने की ओर कौन सी दिशा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 13वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों द गिवन टेबल शोज द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ए बी सी डी एंड ई हु हैव वॉलेंटियर्ड एट ए ब्लड डोनेशन कैंप अवर 5 मंथ, यानी कि दोस्तों ये जो टेबल है वो 5 महीनों के जो है ब्लड डोनेशन की टेबल है। तो इसमें से जो है हमें इसका जो राइट आंसर है वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 20%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों नीचे दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न का क्या दे सही उत्तर दे। तो 5 मित्र एल एम एन ओ और पी का वजन क्या है, असमान है। एल का वजन एम से अधिक है लेकिन पी से कम है। ओ का वजन केवल एन से अधिक है, जिसका वजन 30 किलोग्राम है उसका वजन इन सभी में से क्या है सर्वाधिक है, और एम का वजन क्या है 15 किलो है। तो इनमें से किसका वजन संभवतः 20 किलोग्राम होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा एल का, यानी कि एल का वजन क्या होगा 20 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 15वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए बी और सी एक साथ मिलकर उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि 12 दिनों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जिसका डियर के साथ वही संबंध है जो मेन का चाइल्ड से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फोन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज विच इज कोडेड एज 126 हाउ विल विजार्ड वी कोडेड एज इन दैट कोड लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 162। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 18वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और साइंस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, ये जो डायग्राम है वो क्या कर रहा है इन तीनों को क्या कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों पाइप ए एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, पाइप ए और बी मिलकर इसे 24 घंटे में भर सकते हैं, तो एक रिसाव के कारण बी टैंक को 80 घंटे में क्या कर सकता है भर सकता है, तो यह रिसाव भरे हुए टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 240 घंटों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों एक वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है उस वृत्त के केंद्र पर रेडियन मान का कोण अंतरित करती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि पाई बटे 3। अब दोस्तों ये जो जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इनमें जो क्वेश्चन है इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन है विजिटर्स आर रिक्वायर्ड टू अबाउट हु दे वेंट टू मीट। तो दोस्तों यहाँ जो रिक्त स्थान इसमें क्या आएगा वो आएगा ए, यानी कि इन्फॉर्म अस, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों इसका जो पैसिव वॉइस है वो होगा डी, यानी कि ए न्यू टैक्स ऑन सर्विस इज बींग प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 3रा क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम इन द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसके बारे में इसमें बताना है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि फेसिंग द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशंस, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4था क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। तो क्वेश्चन है दोस्तों सेम में नॉट टू ज्वाइन द सिलेक्शन कमिटी आफ्टर ऑल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा टू ज्वाइन, यानी कि ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। तो दोस्तों क्वेश्चन है ए पर्सन हुज स्टडीज द बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीपल हु लाइव्ड इन द पास्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि एन आर्कियोलॉजिस्ट, ये इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों क्वेश्चन है, आमिर आस्क्ड मी व्हाई डिड नॉट यू आंसर द फोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो होगा, आमिर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट आंसर्ड द फोन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि दोस्तों इन्हें क्या करना है, सही व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि गेट टुगेदर लाइक ब्रदर्स बट वर्क टुगेदर लाइक स्ट्रेंजर्स, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, और ये है दोस्तों सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिगिनिंग, यानी कि जो बिगिनिंग जो वर्ड है इसमें वो सही है, और बाकी की जो तीनों की मीनिंग है वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नवा क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंडर, और दोस्तों ये किसका होगा, मार्वेल का है। यानी कि दोस्तों इसमें जो है हमें सिनोनियम जो वर्ड है वो चॉइस करना था, तो मार्वेल का क्या होगा, वंडर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों नीट का क्या होगा एंटोनियम, वो होगा मेसी, इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं, तो दोस्तों जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है। तो दोस्तों वो है डी, यानी कि संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2019 में कुश्ती के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बजरंग पुनिया। और दोस्तों ये जो पेपर है वो ओल्ड पेपर है यूपी मेट्रो का, जिसमें जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पेपर है एसएनटी विभाग में, उसका ये ओल्ड पेपर है। और दोस्तों इस तरह के कई सारे और जो पेपर अपलोड किए जाएंगे एमकेएन एकेडमी पर। और दोस्तों अगर आपको ऐसे और पेपर देखने हैं तो एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई सितंबर 2019 की अवधि के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ने कितनी विकास दर प्रदर्शित की थी। तो दोस्तों आंसर है 4.5%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रो पंजाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि दोस्तों जो यमुना नदी है वो पंजाब से नहीं बहती, बल्कि सतलज रावी और जो झेलम है वो पंजाब से बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, 2018 में सफलतापूर्वक पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने के पश्चात इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 2023 में एक बार पुनः इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों वो है ओडिशा, यानी कि दोस्तों जो पुरुष हॉकी विश्व कप है उसकी जो मेजबानी है ओडिशा राज्य ने 2018 में कर ली है, लेकिन 2023 में और वो दोबारा इसकी जो मेजबानी है वो करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा क्वेश्चन है, अबुर्दा पर्वत की गुरु शिखर नामक चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वो है राजस्थान में, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार 2019 के अंत तक इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि PSU में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 51% से कम करने का विचार कर रही है। तो दोस्तों वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सुप्रिया सुले, यानी कि ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है, भारत के भावी संविधान पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 सत्रों में बुलाई गई बैठकों की श्रृंखला का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्यारहवां क्वेश्चन है, और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। तो दोस्तों वो है दूध, यानी कि शकरकंद, हरी मिर्च जो शिमला मिर्च होती है और स्ट्रॉबेरी, ये जो है विटामिन सी का स्रोत है, बल्कि जो दूध होता है वो विटामिन सी का जो स्रोत है नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बारहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिरजू महाराज, यानी कि ये जो क्या है कथक नर्तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तेरहवां क्वेश्चन है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने रासायनिक तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करने वाली आवर्त सारणी विकसित की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दमित्री मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौदहवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 164, यानी कि जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंद्रहवां क्वेश्चन है, पारसी जिनके नाम का अर्थ पर्शियंस होता है, पर्शियन जोरोस्ट्रियंस के वंशज है, वे मुख्यतः किस जगह से भारत में आए थे। तो दोस्तों ये जो है आंसर ईरान, यानी कि ईरान से भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोलहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक में सुधार करने में मदद करता है। तो दोस्तों वो है राइजोबियम जीवाणु, और दोस्तों ये जो जीवाणु है वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्रहवां क्वेश्चन है,
काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को काठमांडू का प्राचीनतम हिंदू मंदिर माना जाता है। स्थानीय किवन रीति के अनुसार पशुपतिनाथ किस भगवान के अवतार हैं? तो आंसर है दोस्तों शिव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 18वां क्वेश्चन है, बैंकिंग की भाषा में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आंसर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ये जो है इसका फुल फॉर्म है किसका, एनपीए का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो वो है ओडिशा, यानी कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में क्या है, सेब जो है उत्पादित किए जाते हैं बल्कि ओडिशा में उत्पादित नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी? तो दोस्तों आंसर है गिरिजा देवी, यानी कि दोस्तों जो गिरिजा देवी है वह एक ठुमरी गायिका थी। तो दोस्तों ये जो आज का पेपर था ये कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों ये जो पेपर था वो था जूनियर इंजीनियर जो यूपी मेट्रो में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच थी उसमें एसएनटी का जो विभाग था उसमें ये पेपर पिछले साल आया था। तो दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर है इसमें से काफ़ी जो क्वेश्चन है वो इस बार जो आगे होने वाले जो यूपी मेट्रो के एग्जाम्स है उनमें जो है वापस रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है वो यूपी मेट्रो के लिए ही जो है आपको बताया गया है और ये जो पेपर है वो यूपी मेट्रो के एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों बेल आइकन को दबाना है।